दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद कामरान आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जब अपना मकान बना रहे हो डी से ऊपर कितनी ईंटें लगेंगी बुनियादों के ऊपर ऊपर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्ज करें कि आपने नक्शा बनवाया हुआ है या आपने नक्शा नहीं बनवाया है तो आपने कुछ सोचा ही होगा कि आपने लेआउट जो है किस तरह देना है तो जैसे भी आपने सोचा होगा उसी तरह कागज के ऊपर आपने जो है ड्रा कर लेना है और दूसरे नंबर पे अगर जो आपने नक्शा बनवाया हुआ है किसी आर्किटेक्ट से तो वो आपको वाजे बता देगा कि कौन सी दीवार आपकी नौ इंच की है कौन सी दीवार आपकी चार इंच की है ठीक हो गया जी अगर नक्शा बनवाया तो ये आपको आसानी होगी कि वो इंजीनियर आपको पहले से बता देगा आपकी कौन सी दीवार नौ इंच की है और अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपने जो है ये बात तय कर लेनी है कौन सी दीवार आपने नौ इंच की देनी है और कौन सी दीवार आपने जो है चार इंच की देनी है जैसे कि इस नक्शे में जो है ये दीवारें जैसे आपको नजर आ रही हैं ये नौ इंच की हैं और ये चार इंच की दीवारें हैं जैसे ये आपको नजर आ रही हैं तो उसके बाद आपने जो है इन सारी दीवारों को जो है फ़र्ज़ करेंगे ये जो हमारा पच्चीस इसका फ्रंट है और पैंतालीस की लेंथ है तो इसकी जो दीवारें हैं इनकी लंबाई जो है वो सारी हमने जो है जमा कर लेनी है चार इंच की अलग और नौ इंच दीवारों की अलग तो ये फ़र्ज़ करें हमारी चार इंच की दीवार है ये पच्चीस फ़ुट इसकी लंबाई है पहले हमने सिर्फ लंबाइयाँ देखनी है इसकी हाइट नहीं देखनी तो ये पाँच पाँच फुट की दो दीवारें हैं ये दस फुट हो गई इस तरह ये तेरह फुट की चार इंच की दीवार है ये भी तेरह फुट की चार इंच की दीवार है ये भी तेरह फुट की चार इंच की दीवार है इन सारों को आपने जमा कर लेना इनकी लेंथ करें फर्ज करें हमारे पास बन गई सौ फुट फर्ज करें हमारे पास इनकी लेंथ बन गई चार इंच की अब आ जाते हैं कि नौ इंच की दीवार की तरफ इसी तरह आपने नौ इंच की दीवारें भी हैं उनकी लंबाई सारी जमा कर ली है वो भी ऐसे फर्ज कर लें हमारे पास बन गई सौ फुट वो भी हमारे पास फर्ज करें बन गए सौ फुट, फुट अब सौ फुट चार इंच की बन गई सौ फुट हमारे बन गई नौ इंच अब आपने यहाँ पे जो है ना इसमें से दीवारें और चौका दीवार चुकाठें और खिड़कियां जो है निकाल लेंगे अब यहाँ पे आपने जरा तोजह से सुना है अब ये फर्ज कर लें हमारे पास ये चुकाठे हमारे पास चार इंच की ये देखें एक दो तीन और ये चार चार चुकाठे जो है हमारे पास है चार इंच की और ये वाशरूम की चुकाट है तो वाशरूम की चुकाट मूवमेंट जो होती है वो तीन फुट की होती है तो तीन फुट ज़रब उसकी हाइट जो है सात फुट तो समझे इक्कीस फुट की बन गई आपकी एक चुकाहट तो आपने क्या करना है आपने इक्कीस फुट की एक चौकाहट है और आपके घर में चार चुकाट है तो इक्कीस को जरब कर लेना है आपने चार से यानी एक दो तीन चार इक्कीस फुट को चार से जरब करेंगे तो ये चौरासी फुट बनेगी वो आपने इधर साइड में लिख लेनी है कि चुरासी फुट इसी तरह आपकी नौ इंच की जो चुकाठे हैं वो भी आपने गिन लेनी है वो फर्ज करें मेरी बन गई जी पचास फुट जितनी बनेगी ये मैं एक फर्ज करने के लिए समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ये पचास फुट की बन गई जी आपकी नौ इंच की चुकाटें फिर आपने खिड़कियां ले ली इसी तरह जैसे ये चार इंच की खिड़की है ये हमारी जो एक खिड़की है चार बाय चार फुट की तो इसकी पमाई जो स्क्वायर फुट में बनेगी सोलह फुट की तो हम वो चार इंच की जो चुकाठे थे उनके साथ शामिल कर लेंगे तो ये बन गई हमारी सौ फुट सौ फुट चुकाठे और खिड़कियां बन गई इसी तरह फर्ज कर लें कि हमारी जो नौ इंची की जो दीवारें वगैरह थी वो पचास फुट थी उसमें तो बीस फुट जो है हमारी खिड़कियां आ गई तो ये सत्तर फुट हो गई तो इसको हमने अभी इसमें से माइनस नहीं करना <coughs> तो सबसे पहले हमने जो है चार इंच की दीवारें हैं उनकी लेंथ बनी थी सौ फुट और उसके बाद जो है हमारी अपने नौ इंच की जो चुकाट है नौ इंच की जो दीवारें हैं उसकी पेमाइश बनी थी सौ फुट सबसे पहले जो है चार इंच वाली जो पेमाइश है उसको हमने ज़रब करना है जितनी हमने हाइट रखने फर्ज करें हमने हाइट रखनी है, है ग्यारह फुट नहीं बल्कि आप इसको दस फुट कर लें समझाने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी कि इसको दस फुट हाइट रखनी है तो जब इसको हम ज़रब करेंगे दस फुट से तो ये हमारी बन जाएगी हज़ार फुट अब ये देखें ये हमारी हजार फुट जो है इसकी बन गई है पेमाइश इसकी चार इंच की जो दीवारें हैं अब इसमें से हमने ये पेमाइश निकाली जो चार इंच की हमने चुकाठे और खिड़कियां निकाली थी अब इसमें से हम सौ फुट माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास नौ फुट अच्छा जी तो ये चार इंच की दीवार आपके सामने इस चार इंच की दीवार को यानी कि हम दो पे जब तकसीम करेंगे तो ये डबल दीवार बन जाएगी यानी कहने का मकसद है कि ये नौ इंच की दीवार बन जाएगी आपकी तो इसको आप तकसीम करेंगे दो से तो ये बन जाएगा चार सौ पचास फुट ये चार सौ पचास फुट आपकी जो है अब ये नौ इंची की दीवार बन गई है क्योंकि ये डबल हो गई अब गई आ गई नौ इंची वाली अब नौ इंच की जो थी उसको भी हम रिजर्व करेंगे दस से तो वो भी हजार फुट बन गई हजार फुट में हम जमा कर देंगे चार सौ पचास फुट तो ये हमारी बन गई चौदह सौ पचास फुट अब चौदह सौ पचास फुट जो है उसमें आप चलें एक्स्ट्रा जो है पचास फुट जो है आप इसमें एक्स्ट्रा मजीद शामिल कर लें फर्ज करें इसको आप जो है मुकम्मल करके एग्री गेट पंद्रह सौ फुट कर लें अब ये पंद्रह सौ जो है आपकी दीवारों की जो है वो पेमाइश बन गई है अब इसमें एक फुट में जो है आपकी कितनी ईंटें लगेगी अब आप ये समझ लें कि आपकी एक फुट में जो है ना दस ईंटें लगती हैं तो आप पंद्रह सौ अगर आपकी पेमाइश है तो उसको दस से जब आप जर्व करेंगे तो पंद्रह हजार आपकी ईंटें जो हैं आपकी लगेंगी इसी तरह आपने जितना भी घर हो जितना भी नक्शा हो पाँच मरले हो दस मरले हो पंद्रह मरले हो अपने नक्शे के हिसाब से चार इंची नौ इंची जो है चौकटे वगैरह जो है सारी उसको निकाल कर और इस तरह जो आपने अपनी ईंटे वगैरह फी फुट में जो है दस ईंटें आती हैं तो उस हिसाब से जो है आपने अपनी ईंटें वगैरह कैलकुलेट कर लेनी और इन शाला आपकी जो ईंटें हैं इससे कम उच थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है हो सकती हैं वो भी उस सूरत में अगर आपकी पेमाइश जो है में कोई फर्क आ जाए